हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में, ओल्ड सिलेबस कंपनी लॉ, ठीक है, जिनका पेपर कल है। तो कुछ टिप्स या कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी लेंदी है, ठीक है, वन साइडेडली ये सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी है, कंप्लीट नहीं होता। तो आप जब अभी रिवाइज करने बैठोगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बोध ग्रुप अगर दे रहे हो तो आपके पास एक ही दिन था, हार्डली 8 to 10 hours आपके पास हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आप पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको मेरे हिसाब से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा वेटेज होता है, जैसे कि डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, डिपॉजिट्स, डिविडेंड, ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, पहले इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे शेयर कैपिटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये मेरे ख्याल से इस सीक्वेंस में आप चालू करो। सबसे पहले आप डायरेक्टर्स चालू करो, फिर बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर आप डिविडेंड, अकाउंट्स ऑडिट, शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, ये सारे इस सीक्वेंस में आप चालू करो। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप और भी चैप्टर्स कवर कर सकते हो, जैसे कि चार्जेस, चार्जेस से भी एक आध क्वेश्चन आता है, और बेसिक भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना जिसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ कंपनी आप पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप पहले पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी टॉपिक्स में पूरा पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा, ठीक है, और पूरा पूरा छोड़ना भी नहीं है। तो आप ऐसा करो कि 50-60% आपका जो टाइम है वो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को दो, जिसमें आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे, 4-5 घंटे दो और आप ये 4-5 जो मेजर चैप्टर्स हैं इसको अच्छे से पढ़ो, और बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं उनमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को पढ़ो। यानी कि पेनल्टीज वेनल्टीज सब छोड़ दो, फालतू के जो और प्रोविजन होते हैं ना वो छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ जो मेन प्रोविजन है। हर चैप्टर में आपको पता ही होता है एक ना एक मेन प्रोविजन होती है जो उस टॉपिक के बारे में लॉ बताती है, चार्जेस हो, डिपॉजिट्स हो, या कोई भी चीज़ हो, एक मेन प्रोविजन होती है। बस वो हर चैप्टर की आप मेन 1-2 प्रोविजन्स पढ़ के जाओ, ताकि अगर उस पे आ जाए तो आप अच्छे से लिख पाओ, क्लियर है। तो ऐसे मेरे ख्याल से आपको अपना टाइम डिवोट करना चाहिए और आप स्मार्टली कवर कर पाओगे, ठीक है। तो एक एक टॉपिक मैं आपको बता जाता हूँ, जैसे ये हो गया कि आपको अभी कितना पढ़ना है, फिर है कि सीक्वेंस, कि क्या सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। तो इसमें तो कोई प्रीफिक्स सीक्वेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर पे डिपेंड करता है पेपर कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें आपको पेपर देखने के लिए 5-10 मैक्सिमम 10 मिनट्स आप रख सकते हो, जिसमें आप एक ब्रॉडली देख लो। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब क्वेश्चंस आपको आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा सर जिसके सारे सब क्वेश्चंस आपको आते हैं, एक ना एक आता है ऐसा, ठीक है, जिसका पूरा ईजी है, तो अपन 4 में से 3 तो भी आपको अच्छे से आते हैं। तो ऐसे वाले पहले सॉल्व करो, वो सॉल्व करो जो आपको अच्छे से आता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। नॉर्मल सीक्वेंस में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आता है 4 में से 3 आते हैं, 4 में से 4 आते हैं, वो पहले सॉल्व करो, फिर 4 में से 2 आते हैं, 4 में से 1 आता है, ऐसा आप सीक्वेंस में जितना पहले आता है, जितना भी पहले आपको आता है, 1.5 hour या कम से कम मतलब 2 घंटे तक आप वही लिखते रहो जो आपको आता है। जो चीज़ें ऑफ बीट आई हैं, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, पहले 2 घंटे में उसको लेके नहीं बैठना है, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप सोचने में टाइम कंज्यूम कर लोगे, और जो चीज़ें आप लिख सकते हो वो फिर आपकी छूट जाएंगी। तो पहले 2 घंटे या 1.5 घंटे तक लिखने जितना तो आपको आता है, ये बात समझ लो। कितनी भी आपने पढ़ाई की हो, कम ज़्यादा वो सब डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे या कितना स्कोर आप लेना चाहते हो, बट स्टिल हर बच्चे के पास 1.5 से 2 घंटे लिखने जितना तो आता है उसको, तो वो उसमें ही बिताओ। फिर आखिरी 1 घंटा आप लेके बैठो कि आपको जो जो आपने स्किप किए हैं उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो। 4 mark के एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए आप एक पेज, एक वन साइड का पेज छोड़ सकते हो। ऑन एन एवरेज उतनी साइज एक आंसर की होती है 4 mark की। 8 mark का है तो आप 2 पेज छोड़ सकते हो। तो वो जगह छोड़ते छोड़ते आपको आगे बढ़ते जाना है, क्लियर है। तो ऐसा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए। पेपर देखो, जो सबसे बेस्ट आपको आता है पहले आप लिखते जाओ, जो नहीं आ रहे उसके अंदर सब क्वेश्चंस वो आप जगह छोड़ते जाओ, ठीक है।
और इस तरह से पेपर के आखिरी तक पहुंच जाओ, और फिर 2 घंटे आपके बेस्ट चीज में आपका हो जाएगा, और उसके बाद आप बैठो कि आपको क्या आप लिख सकते हो, कहाँ आप थोड़ा बहुत नियर अबाउट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, वो सब फिर आप आखिरी आधा पौन घंटा जो होता है वो उसमें आप डिवोट कर सकते हो, ठीक है। फिर है सेक्शन नंबर कोट करना, करें कि नहीं करें, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है वैसे देखा जाए तो। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 4 में से 4 ही चाहिए, तो फिर आप कोट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो तो लिखना चाहिए, ठीक है, वो तो 100% लिखना चाहिए। अगर कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है उसका सेक्शन नंबर आपको पता है तो यू शुड कोट इट, अगर आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो तो। कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भैया मत करो, ठीक है। और सब सेक्शंस क्लॉजेस ये भी कोट करना ज़रूरी नहीं है सर, मेन सेक्शन भी आप कोट करके आ गए तो भी चलता है, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो इंटरलिया इट इंक्लूड्स दिस दिस दिस, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन नंबर का ज़्यादा हेडेक मत लो, आता है तो डेफिनेटली आप लिखो, तब तो स्किप करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आता है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कोट करना चाहिए। फिर आता है सर डिस्टिंग्विश को कैसे प्रेजेंट करें, तो मैंने हमेशा से कहा है कि टॉपिक पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स में क्लियर क्लियर टैबुलर फॉर्म में लिखने जैसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स में प्रॉपर टैबुलर में लिखने लायक 4 से 5 पॉइंट होते हैं, तो आपको उसमें टैबुलर ही लिखना चाहिए। दिखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। बट कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं, 4 में से 1 या 2 तो ऐसे आएंगे ही आएंगे, जिसमें कोई क्लियर कट डिस्टिंग्विश है ही नहीं, बट स्टिल ऐसे डिस्टिंग्विश आते हैं, तो उसको आप पैराग्राफ स्टाइल में लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, मतलब एज इफ कि आपको 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स आ गए हो, ऐसे आप अलग थलग लिखो, क्योंकि उनके कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन होते ही नहीं है, हैं भी तो एक ही पॉइंट होता है, तो क्या एक एक पॉइंट लिख के आओगे 4 मार्क के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं, तो आपको इधर उधर की बातें थोड़ी लिखनी पड़ेंगी। तो आप ऐसा सोचो कि 2 अलग अलग मुझे शॉर्ट नोट्स आए हैं और मैं 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स लिख रहा हूं, ऐसे सोच के आप लिखो पैराग्राफ स्टाइल में, ठीक है, तो ऐसा भी चलता है, और आप इंस्टीट्यूट के आंसर्स में तो ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो अगर टेबुलर में प्रेजेंट हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ अगर प्रॉपर पॉइंट्स हैं तो आप टेबुलर के लिए जाओ, लेकिन नहीं है, क्लियर कट डिस्टिंक्शन ही नहीं है, तो 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स हैं ऐसा मान के आप उसको पैराग्राफ स्टाइल में लिख सकते हो, क्लियर है। फिर आपको पता ही है कि लॉ में लेंथ मैटर नहीं करती है सर, लेंथ मैटर नहीं करती आंसर की, आंसर का लेंथ बिल्कुल भी सोच के मत लिखना कि नहीं इतने मार्क का है तो इतना तो लिखूं, ऐसा नहीं होता, टू द पॉइंट लिखना है, बिल्कुल जितना रेलेवेंट चीज़ें हैं, रेलेवेंट लॉ है, रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, उतनी ही कोट करनी है। ज़बरदस्ती भाई 5 मार्क का है तो 1 पेज तो भरना चाहिए, ये सब यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। तो 5 मार्क का अगर है, आप आधा पेज भी लिख सकते हो सकता है 5 में से 4 आपको मिल भी जाए, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओवर बर्डन मत करना, लेंथ के बारे में सोचना ही नहीं, उस टॉपिक पे जितना है वो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रोविजन है उतना आप लिखो, क्लियर है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे बतानी है, और बस माइंडसेट थोड़ा हल्का रखना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे पूछी जाएंगी जो आपको नहीं आएंगी या आपने सुनी भी नहीं होंगी। ऑफ बीट क्वेश्चंस 1, 2, 3 आते हैं, 8 मार्क के भी क्वेश्चन हो सकता है, 1-2 बहुत ही बाउंसर आ जाएं, ड्राफ्टिंग भी 1-2 आ जाती हैं कभी कभी, हो सकता है आपने वो ड्राफ्टिंग नहीं देखी हो, तो पहले 2 घंटे में उसके बारे में नहीं सोचना है, बस आपको यही माइंडसेट का गेम चलाना है कि पहले 2 घंटे उस टॉपिक के बारे में नहीं सोचना है जो आपको नहीं आता। बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया हो और आपको आता नहीं हो और आप 2 घंटे तक उसको इग्नोर करो, इतना आसान नहीं, बट आप कोशिश करना, मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश करना कि पहले 2 घंटे आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जो आपको आती हैं, और अच्छी खासी चीज़ें आपको आएंगी, 100 में से 60, 65, 70 मार्क्स का पेपर आपको आएगा, ऑप्शन मिला के जितना भी होता है 60-70 मार्क्स का आपको लिखने लायक होगा, और आराम से 2 घंटे आपको उसमें लग जाएंगे। तो 2 घंटे बस एटलीस्ट वो टॉपिक्स के बारे में मत सोचना जो आपको नहीं आते, जो आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, जो बाउंसर आ गए हैं, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। 2 घंटे अपने आपको बिजी रखना है उन चीज़ों में जो आपको आती हैं। 2 घंटे के बाद धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा कि नहीं यार 60-70 का तो मेरा हो गया, अब बचा ही कितना है, तो फिर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से रिमेनिंग पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब था गाइस, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। माइंडसेट का ही पूरा गेम है, एग्जाम कंटेंट का नहीं है, एग्जाम आपके माइंडसेट का है, ऐसा आप समझ लो, तो अपना बेस्ट दो, ठीक है, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो और अपना बेस्ट दो, ऑल द वेरी बेस्ट।